नहाने से करते हैं हम प्यार, तभी तो 2 मिनट में होली हम तैयार। फील्ड वर्क की कर दी हमने 2 मिनट में समाप्ति, तभी तो हमें धाम में जाने की अनुमति की हुई प्राप्ति। गाड़ी की शीशे की हालत धूल से है बहुत खराब, गुरु लो कर दिया हमने अपना सफर शुरू। खाली रोड में नहीं लगा था कोई जाम, फाइनली हम जा पहुंचे एट धाम। कठिन सफर को कर दी हमने बाय और पहला स्टॉल हमें मिला जहाँ लगी थी बढ़िया में चाय चाय चाय। सुबह का समय हमें नहीं दिखा कोई काम, तो हम आराम से बैठ के खाने बढ़िया में धाम। ब्रेकफास्ट में था बढ़िया भटूरा और चना, फिर फाइनली साथ में भटूरे के बाद कर दिया हमने बूटी जी को मना। गर्मियों के सीजन में चलती है हवा, हवा में उड़ाते हैं बच्चे, काइट लीजिए फ्रेंड्स, आप भी लीजिए एक बढ़िया में बाइट। सेफ अर्थात बूटी के द्वारा बहुत ज्यादा मेहनत के द्वारा किया जाता है यह बिलासपुरी धाम का काम। आप स्वयं ही देख सकते हैं कि यहाँ 2 मिनट भी बूटियों को अर्थात सेफों को नहीं मिलता है आराम। बिलासपुरी धाम में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट, और खाना था बिल्कुल ओके। रिपोर्ट यहाँ पर पूजा का हो रहा था बढ़िया में आरंभ, और हमें पता लगा साथ में है खट, तो हमने पानी के समीप पहुँचने में किया जरा भी नहीं विलम्ब। प्रकृति की ऐसी सुंदरता और शांति देख मेरा मन इसी खड में खोया, तो बढ़िया में फिर मैं जाके गाड़ी में तसल्ली से सोया। अभी हम करेंगे सफर 20 किलोमीटर कुल। फाइनली फ्रेंड हम जा पहुंचे एट रोहड़ का पोड़। यहाँ के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर होती थी आटा चक्की फ्रेंड्स, अब कनक की कटाई के बाद बीजेगी फिर से मक्की। सफर था लंबा, लंबे सफर में घूम गया सर, और फाइनली हम जा पहुंचे अपने बढ़िया में नानी घर। यहाँ का वातावरण साफ सफाई और नो धूल, और फाइनली फ्रेंड्स देखिए बहुत ही सुंदर बगीचे के फूल। हमारा यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता ने दिया बहुत ही साथ, और यहाँ पर हमने अपनी नानी अम्मा जी और नाना जी से करीब बढ़िया में थोड़ी देर वार्तालाप। फिर याद आया कि हमने धाम को करनी थी बढ़िया में हाय, तो हमने बढ़िया में कर दी नानी अम्मा जी को बाय। ठीक है, रास्ते पे चलते हुए हमें हुई NH88 की प्राप्ति, और इसी तरह से यहाँ पर पूजा की फाइनली हो चुकी है समाप्ति। तो जैसा आप सभी मित्र जानते हैं कि पूजा की समाप्ति के पश्चात होता है सिर्फ हमें एक ही काम, तो फ्रेंड्स हम बढ़िया में अमन जी के साथ खाएंगे अब बढ़िया में धाम। मैं बैठने ही वाला था परंतु मेरा पुकारा गया नाम, तो कोई चक्कर नहीं, हम सेकंड बैंड में बैठेंगे फिर खाने बढ़िया में धाम। धाम में बैठने के पश्चात सर्वप्रथम हमें मिली प्लेट एंड साथ में गिलास पानी के लिए, और उसके बाद चावल, चावल के बाद महादुली, महादुली के बाद उड़द दाल, उड़द दाल के बाद कड़ी, कड़ी के बाद मिला हमें खट्टा, और फिर मीठा, मीठे के बाद हमने कर दी खाने की समाप्ति। फिर हमने सफर शुरू की और सफर में हुए हमें माता के दर्शन की प्राप्ति। हिमाचल में इतने सुंदर रास्ते की इनसे मन मोहित हो जाए, तो बुआ जी के गृह क्षेत्र में पहुंच के हम कन्नू को कर दिए चले बाय। तो इसी तरह से हमने आज आपको शायरी में बताई आज के दिन की कहानी, और फाइनली हम घर को ले चले बढ़िया में कैन में भर के पानी। उसके बाद भी हमें थोड़ा सफर से नहीं मिला आराम, और फाइनली हम घर में जाके पहुंचे किया बढ़िया में फील्ड की डिगिंग का काम। काम की समाप्ति के साथ साथ ही करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आए, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।